एक्सेस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूरी, और क्यूरी में हम बात करेंगे, क्रिएट क्यूरी में बात करेंगे हम पहले क्यूरी विजार्ड की। दो डिजाइन क्यूरी और क्यूरी विजार्ड, जैसे आपने कहा था कि आपके पास डिजाइन फॉर्म था, एक फॉर्म था, फॉर्म में बने बनाए डिफॉल्ट चीज थी, आपने क्लिक किया और उसको कर दिया, और डिजाइन फॉर्म क्या था, डिजाइन फॉर्म आपका बना बनाया सिस्टम नहीं था। हेलो, मैं डिजाइन फॉर्म में आपको खुद से करना था, उसी तरह से डिजाइन क्यूरी है। और सर वॉइस ब्रेक हो रही है काफी आपकी, बीच बीच में पॉज आ रहा है काफी समय। नहीं सर, अभी थोड़ा चुप हो गया था थोड़ा सा। तो क्यूरी विजार्ड पे चलते हैं। क्यूरी विजार्ड, क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करते हैं, आपके पास चार चीजें हैं, एक आपका सिंपल क्यूरी, क्रॉस टब क्यूरी, फाइन डुप्लीकेट एंड फाइन ओवर मैच। हम सिंपल क्यूरी पे क्लिक करते हैं, उससे पहले जाने क्यूरी की जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे कि आपके सामने डेटा है, मुझे इस डेटा को डाउनलोड करना है, कोई बात नहीं, टेबल को एक्सपोर्ट कर लो आप, बट टेबल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टेबल में बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने अपने जो देना चाहता हूँ उसमें मैं सिर्फ तीन कॉलम देना चाहता हूँ, तीन कॉलम मैं नहीं देना चाहता, या फिर इसमें मैं चाहता हूँ कि भाई सितंबर का डेटा ना हो, अक्टूबर का डेटा ना हो, या फिर इसमें टोटल नहीं है, मैं लास्ट में टोटल ऐड करना चाहता हूँ, मैं टैक्स एमआरपी वगैरह निकालना चाहता हूँ, मतलब कि कुछ फिल्टर्ड एंड कुछ कैलकुलेटेड डेटा हमें एक्सपोर्ट करना है टेबल से, इसके लिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल अगर कहा जाए। तो क्यूरी विजार्ड पे आते हैं, हम सिंपल क्यूरी पे क्लिक करते हैं, मैक्रो इसे ओपन। अब इसमें है कि आप मंथ ले लीजिए और आपके कौन कौन से फील्ड चाहिए होंगे, सारे चाहिए तो सारे ले लीजिए, मुझे एक चाहिए, राइट। टेबल कोई डिफरेंट टेबल है तो आप डिफरेंट टेबल से भी ले सकते हैं, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट एंड फिनिश। आप देखिए हमारा क्यूरी वन रन हुआ, आप देख पा रहे हैं बीएन क्यूरी रन हुआ, और देख पा रहे हैं तीन ही डेटा। सर ये काम तो सिंपल क्वेरी से भी हो जाएगा ना, हमने सिंपल क्वेरी तो भी ऐसे करी, नहीं दूसरी बार ये क्वेरी विजार्ड नहीं है, क्वेरी डिजाइन से। आपको नहीं समझे, सिंपल क्यूरी क्यूरी विजार्ड में अब से क्या है कि सिंपल डिजाइन में आपको पड़ेगा कि भाई किस टेबल लेना है, और बहुत सारे चीजें हैं ना इसमें, तो ये चीजें जैसे मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में आपके मान एक शॉप है, तो शॉप के बाहर केस में कोई अगर आइटम फोन रखा हुआ है तो सैंपल पीस या एक या दो पीस ही रहेगा ना, बाकी चीजें तो आप पीछे ग्राउंड में रखोगे। अगर कस्टमर ने आया अपना फोन दिखाना तो आप क्या करोगे, अपने ग्राउंड में बच्चों लड़के को भेजोगे, ग्राउंड से लड़का निकाल के लाएगा फिर दिखाओगे। सेम उसी तरह से क्यूरी विजार्ड में क्या है कि डिजाइन क्यूरी समझो कि ग्राउंड है, और क्यूरी विजार्ड क्या है, समझ गए। ठीक है, इसमें बने बनाए क्यूरी के कुछ चार पांच क्यूरी के तरीके हैं जिसको आप ओके ओके करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मंथ लिया और यहाँ पे मैंने पी टू ले लिया सिर्फ, नेक्स्ट और इसमें समरी पे क्लिक किया, एंड फिनिश। तो इस समरी पे आया नहीं क्योंकि हमने समरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया, समरी का ऑप्शन समरी बता दो, समरी का पार्ट मैं गलती से ओके कर, यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे क्यूरी विजार्ड, नेक्स्ट, और हमने मंथ ले लिया, पीओन ले लिया, नेक्स्ट, अब यहाँ पे समरी लिखा, और मुझे समरी का ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपको किसका टोटल चाहिए, तो मैंने बोला सम चाहिए, किसका, P1 का, एंड ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो क्या दिख रहा है आपको इसमें, वी आई क्यूरी टू और वी आई क्यूरी वन दोनों एक ही जैसा है, इसमें आपका मान सम हो गया, रिपीटेड है,
ये आपका यूनिक कीवर्ड आ की गया तरह उसमें। काम कर दिया। समझ में आ गया? समझ गया। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब इसमें और ज्यादा बढ़ने के लिए एक लार्ज डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। लार्ज डेटाबेस को करना पड़ेगा, हो जाइए। ये तो दिक्कत हो गया। पी डेटा तो यही है। चलो मैं डेटा इंपोर्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक्सेलेटर सोर्स इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, और यहाँ पे हम चल जाते हैं ब्राउज एक्सेल। डेटा शीट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो नहीं, इसकी भी चलेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंड फिनिश। हमें है एक लार्ज डेटा है, ठीक है? मुझे इसके ऊपर क्वेरी निकालता हूँ। मुझे एक क्रॉस टॉप क्वेरी, मुझे एक समरी चाहिए कि किस टीम के कौन से डिवीजन में कितना सेल हुआ है, ठीक है? ठीक तो इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट क्वेरी विजार्ड। हम क्रॉस टैब क्वेरी को लेते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी, अब मैंने टेबल चेक कर लिया, नेक्स्ट। तो इसकी इस फील्ड, इसमें रो वाइज में कौन सा डेटा आएगा, तो टीम आएगा, ठीक है? ठीक है। अब बोला है कॉलम बारे पे क्या आएगा, तो मैंने बोला रीजन आएगा। टोटल किस पे होगा, सेल पे। टोटल में क्या होगा, तो हमने बोला टोटल में होना चाहिए, राइट? ठीक एंड फिनिश। अब क्रॉस टैब की देखिए, आपको टोटल निकाल के दे दिया पिवट की। ओके, एक तरह पिवट भी हो गया हाँ, एक तो से पिवट समझ लीजिए, है। सिंपल हो गया। यही चीज आपको बिजार में करने में काफी टाइम लगता है। उसके बाद क्रॉस टैब क्वेरी के बाद हम बात करते हैं फाइंड डुप्लीकेट, ठीक है? नेक्स्ट टेबल डेटा नेक्स्ट। इसमें हमने मान लीजिए टीम को लिया, एडिशनल कोई भी फील्ड, हमने रीजन ले लिया, सेल्स ले लिया। देखिए ये आपका डुप्लीकेट है, दिख रहा है? डुप्लीकेट डेटा दिखा दिया कि डुप्लीकेट रिपीटेड कौन कौन से डेटा है। तो डुप्लीकेट आपका डुप्लीकेट दिखाता, बात होता है फाइंड अनमैच्ड। जैसे कि आपके पास अगर कोई टेबल है, उसमें दो, एक मिनट, मुझे इसके लिए दो टेबल बनाने पड़ेंगे लास्ट एग्जांपल के लिए। मैं एक नया डेटाबेस लेता हूँ। अब न्यू डेटाबेस में मेरे पास डेटा वन है, जिसमें हमने यहाँ पे नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सेल दिया हुआ है।
इसको मैं टेबल वन पे भेज देता हूँ। टेस्ट हो गया, ठीक ये हमारा डी वन डेटा वन हो गया। और फिर हमारा टेबल टू है, इसमें मैं वैल्यू चेंज कर दिया और मैं एक क्रिएट न्यू टेबल पे जाते हैं। इसमें नाम जो है कुछ नया नहीं, जैसे मैं दे देता हूं रवि रंजन। और यहां पे दे देता हूं है, ऐसे दो तीन नाम मैंने चेंज कर दिए। अब मुझे ये देखना है कि दोनों के अंदर में कौन सा डेटा अनमैच्ड है, समझ गए? तो फाइल अनमैच्ड एंड ओके। तो टेबल वन, मैं टेबल टू लेता हूं, टेबल टू नेक्स्ट, टेबल वन या राइट, उसे मैच करना है कोलों में, दोनों कौन कौन से, नेम और नेम सेम है, एंड देन नेक्स्ट। और क्या क्या चाहिए आपको, तो आईडी चाहिए, नेम चाहिए, सेल चाहिए, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके दिख गया, ठीक है। तो डी टू में जो है ये नाम है जो कि डी वन में अवेलेबल नहीं है, समझ गए? समझ गया। एक चीज और यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ ये पे डिजाइन क्वेरी विजार्ड पे जाता हूँ, फाइल मैच लेता हूँ एंड ओके। अब मैं डी वन को रखा, इसमें क्या है, डी टू, डी वन सेलेक्ट किया, डी टू से मैच करना है, नेक्स्ट। हम नेम और नेम बहुत ज्यादा सेम, मुझे एक चीज चाहिए, अनफिनिश, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डी डी वन के सारे नेम डी टू में अवेलेबल है। ओके, डिफरेंस डी टू में, डी टू, हाँ डी टू का कुछ नेम डी वन में नहीं है। तो आप मैच करते समय इसका ध्यान रखेंगे कि डी वन से डी टू को या डी टू से डी वन को मैच करना है, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो सर आज के लिए इतना ही।